विरोध में बंगाल और असम में भड़की आग। असम और बंगाल में सीएए के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। बंगाल और असम में बीजेपी को सीएए से क्या होगा लाभ? चुनाव से ठीक पहले सीएए लागू करने के मायने क्या? लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। उससे पहले जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया तो असम और बंगाल में इसके खिलाफ आवाज मुखर की गई है। बंगाल और असम से ही सीएए के खिलाफ सबसे तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो सीएए के लागू होने से तमतमा गई हैं और इसे एक धोखा करार दे रही हैं। ममता बनर्जी ने सीएए लागू होने पर कहा है, सीएए देश से बंगालियों को खदेड़ने का खेल है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चेताया भी है, कहा कि अगर नागरिकता कानून के जरिए किसी की नागरिकता जाती है तो मैं इसका कड़ा विरोध करूंगी। सरकार किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। फिर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से सवाल भी किया, पूछा, ये कानून साल 2020 में पारित किया गया था तो अब सरकार ने 4 साल बाद लोकसभा चुनाव से एन पहले इसे लागू करने का फैसला क्यों किया? अगर यहाँ सीएए और एनआरसी के जरिए किसी की नागरिकता छीनी गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये कानून दरअसल एक धोखा है। हालांकि ममता बनर्जी से अलग सीए लागू होने पर पश्चिम बंगाल में खुशी भी मनाई गई। उत्तर 24 परगना समेत दूसरे जिलों में फैले मथुआ समुदाय ने इस फैसले पर खुशी जताई और उत्सव मनाया। बनगांव के मथुआ सांसद शांतनु ठाकुर कहते हैं, मथुआ समाज की बहुत पुरानी मांग पूरी हो गई है, इससे इस समुदाय में खुशी स्वाभाविक है। वहीं पश्चिम बंगाल से अलग असम में भी ममता बनर्जी की तरह ही सीए के विरोध में आवाज मुखर की गई है। असम के सबसे प्रभावित छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने सीए के नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद सोमवार शाम को इसकी प्रतिलिपियों को जलाकर अपना विरोध जताया। सीए के खिलाफ ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स के इस विरोध प्रदर्शन में 30 जनजातीय संगठनों ने हिस्सा लिया। असम में कांग्रेस के नेतृत्व में बने 16 राजनीतिक दलों के संयुक्त विपक्षी मंच ने भी सीएए के खिलाफ समूचे प्रदेश में आंदोलन की घोषणा की है। असम में भी सीए लागू करने के टाइमिंग पर सवाल उठाए गए हैं। पूछा गया है कि जब सीए कानून दिसंबर 2019 में ही बन गया था तो बीजेपी ने इसे लागू करने के लिए 4 साल क्यों लगाए? इस कानून के नियमों की अधिसूचना लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले क्यों जारी की गई? लेकिन अभी विरोध चाहे असम में हो या फिर बंगाल में या फिर किसी और राज्य में, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तो इसे लागू कर चुकी है। चलिए अब जानते हैं फायदों के बारे में कि बीजेपी को सीए लागू करने की इस टाइमिंग से क्या फायदा होगा और वैसे भी नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं बंगाल में होने वाले फायदे के बारे में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सीए लागू होने से क्या होगा फायदा? मथुआ समुदाय के लोग उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले के अलावा नदिया जिले में भी भारी तादाद में रहते हैं। करीब 3 करोड़ की आबादी वाला ये समुदाय राज्य विधानसभा की कम से कम 50 सीट पर निर्णायक स्थिति में है। विश्लेषकों का मानना है कि सीए लागू होने से नागरिकता और दूसरे मौलिक अधिकारों को लेकर इस समुदाय में पसरी आशंका खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आगामी चुनाव में इसकी वजह से राजनीतिक परिदृश्य भी बदल सकता है। मथुआ समुदाय को बीजेपी का समर्थक माना जाता है। ये समुदाय लंबे अरसे से नागरिकता की मांग कर रहा था। मतलब हो ना हो, मथुआ समुदाय को नागरिकता मिल जाने से बीजेपी को बंगाल में जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है। वहीं बात अगर असम की करें तो असम में सीए लागू होने से बीजेपी को क्या लाभ होगा? विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी सीए को अभी लागू नहीं करती तो असम और पश्चिम बंगाल में खासकर हिंदू बंगाली वोटरों में पार्टी को नुकसान होता। हालांकि सीए असमिया लोगों के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। असम में एनआरसी को अब तक मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि हिंदू बंगाली लोगों की नागरिकता दांव पर थी। अगर इस बार बीजेपी सीए को लागू नहीं करती तो हिंदू बंगाली मतदाता उनके खिलाफ हो जाते, जिससे चुनाव में बीजेपी को नुकसान होता। और इस बार तो बीजेपी किसी भी तरह के रिस्क मूड में नहीं है। बीजेपी हर वो काम कर रही है जिससे वो इस बार का लोकसभा चुनाव भारी सीटों के साथ जीत सके, पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ सके। फिर चाहे बात असम की हो या फिर बंगाल की, विरोध दोनों राज्यों में हो रहा है, लेकिन यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो राज्य में अच्छी खासी पैठ रखते हैं और उनके वोट को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने सीए को लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया है। इसे आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीए लागू कर सही फैसला लिया है? आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को इससे आगे चलकर चुनाव में फायदा होने वाला है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।